अंतर्राष्ट्रीय पथ विक्रेता दिवस के मौके पर जमशेदपुर के फुटपाथी विक्रेताओं ने मनाया शोक दिवस। सौंदर्यकरण के नाम पर उजाड़े गए फुटपाथी विक्रेताओं का नहीं हुआ पुनर्वास। जिला प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। आज अंतर्राष्ट्रीय पथ विक्रेता दिवस है। देश भर के पथ विक्रेताओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड के विस्थापित दुकानदारों ने पथ विक्रेता दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान इन्होंने पहले मौन धारण किया, इसके बाद इन्होंने जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि मानगो फुटपाथी दुकानदार संघ के बैनर तले इन्होंने प्रदर्शन किया। विदित हो कि डिमना रोड में सैकड़ों की संख्या में झोपड़ी नुमा दुकानें हुआ करती थी, जिसे सौंदर्यकरण के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया गया, मगर उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं बसाया गया है। ऐसे में इन दुकानदारों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि मानगो डिमना रोड के फुटपाथी दुकानदारों ने आज विश्व पथ विक्रेता दिवस के मौके पर शोक दिवस मनाया। इन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं के सम्मान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन अफसोस है कि जमशेदपुर में पथ विक्रेता दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है। जबकि देश के कानून के मुताबिक पहले बसाने फिर उजाड़ने की नीति है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। पथ दिवस 2002 ईस्वी से मनाया जा रहा है। एशिया देशों के प्रतिनिधिमंडल ने आकर कोलकाता में एक सम्मेलन किया था पथ विक्रेताओं के लिए, उनके लिए ये, तभी से 26 मई को 2002 ईस्वी से मनाया जा रहा है उनके सम्मान के लिए। पर आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जमशेदपुर में मानगो के इस डिमना रोड में जो उजाड़ीकरण हो रहा है, पहले भी 2 महीना पहले उजाड़ीकरण हुआ और अभी भी उजाड़ीकरण हुआ, इसलिए हम इसको शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। शोक दिवस ये है कि समाज का, प्रशासन का, सरकार का जो है जमीर मर गया है, इंसानियत खो गई है। वे उनके लिए उदासीन हो गए फुटपाथ दुकानदार को, वो उजाड़ तो दे रहे हैं लेकिन उनको कहीं जगह नहीं दे रहे हैं। वो रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, वो अपने बच्चों को कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे फीस देंगे, कैसे मकान का भाड़ा देंगे, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरी उपायुक्त महोदय से भी यह मांग है, आग्रह है कि 2014 का कानून भी है कि पहले इनको बसाया जाना चाहिए। हर राज्यों में बसाए गए लेकिन जमशेदपुर में ऐसा नहीं हुआ और भारी संख्या में लोगों को उजाड़ दिया गया, जिससे कि 500 लोगों को उजाड़ा गया तो 2500 लोग इससे प्रभावित हुए। इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब इसको, इनको कहीं उजाड़ने के बाद ये तो फुटपाथ दुकानदार कहीं भी बैठेंगे। अब इनको मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पहले भी दुकानें थी उनको अब कहीं भी बैठने नहीं दिया, वो रोजगार कैसे करें, कोई तो इस चीज़ को बताए, वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग एक जन आंदोलन, पथ विक्रेता आंदोलन तो हम पहले करते ही थे लेकिन अब एक जन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सामाजिक लोगों को इसमें सम्मिलित करेंगे इस आंदोलन में, और इसमें एक बड़ा मुहिम करेंगे क्योंकि इतनी भारी मात्रा में लोगों को उजाड़ा जा रहा है बिना बसाए। तो ये जन आंदोलन बहुत ही जरूरी है, हम हर स्तर तक इसके लिए जाएंगे और पूरे जमशेदपुर के बाद दुकानदार एक होकर इस मुहिम में चढ़ेंगे और हम सभी लोगों को इसमें साथ लेंगे, वैसे लोग जो इनकी मदद करने आएंगे न्याय दिलाने में। दिवस मना रहा है जी, आज हम लोगों ने शोक दिवस मौन रखकर मनाया है, जो इंसानियत और मानवता खत्म हो गई है। और उपायुक्त के माध्यम किसको दीजिएगा लेटर? उपायुक्त माध्यम को, उपायुक्त महोदय को हम लोग अपनी मांगों को, कानून भी जो बना है उसकी भी कॉपी धारा भी दे रहे हैं और मांगों को रख रहे हैं कि उनको बसाने से पहले, उजाड़ने से पहले उनको बसाना तो जरूर चाहिए कहीं जगह। जितनी दिलचस्पी इनको उजाड़ने में हो रही है, अगर 10% भी उसको बसाने की होगी तो जरूर जगह मिलेगी, वेंडिंग मार्केट भी बनेगा, जैसे कि अलग राज्यों में बना है और मिला है।